Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में राजा सांसी के पास अदलीवाल में ग्रेनेड हमला किया गया निरंकारी सत्संग के दौरान। इस ग्रेनेड हमले को लेकर अब NIA जांच कर रही है। इसे एक आतंकवादी साजिश, एक आतंकवादी हमला माना जा रहा है। कई एंगल हैं जिन पर जांच की जा रही है। प्रमुखता से जिस एंगल पर, जिस थ्योरी पर जांच हो रही है वो है ISI का हाथ इसमें शामिल है। ISI जो पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी हैं उन्हें पूरी तरह से समर्थन दे रही है और वो खालिस्तानी आतंकवादी पंजाब में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं और उनके द्वारा ये हमला किया गया है। इसका समर्थन करने के लिए कई बिंदु हैं जो जांच में उस तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान का कनेक्शन हो सकता है। जो ग्रेनेड हमला किया गया वो इस तरह से किया गया जैसे आमतौर पर कश्मीर में ग्रेनेड हमले किए जाते हैं, जो मोडस ऑपरेंडी कश्मीर में आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से यहां पर भी यह हमला किया गया, क्योंकि यहां बाइक का इस्तेमाल किया गया, ग्रेनेड फेंक कर भाग गया जो ग्रेनेड फेंकने के लिए आए थे, और ऐसा ही आमतौर पर कश्मीर में भी होता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इनको उतनी अच्छी ट्रेनिंग शायद नहीं मिली थी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने फेंका ग्रेनेड हमला उससे उतना नुकसान नहीं हुआ जैसा कि आमतौर पर होता है अगर उन्हें बेहतर ट्रेनिंग मिलती। मोबाइल लोकेशन की जाँच की जा रही है, बाइक जिसका इस्तेमाल किया गया, जो बाइक चोरी हो चुकी है, पल्सर बाइक का इस्तेमाल किया गया, तो उस तरह की बाइक की तफ्तीश की जा रही है जो चोरी हुई हुई बाइक है उनको लेकर। स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया गया था, स्लीपर सेल एक्टिव किए गए हैं जो पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर, और इसको लेकर चिंता जाहिर की गई थी। पहले से इसको लेकर इंटेलिजेंस इनपुट मौजूद था। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी इस तरह की चिंता जाहिर कर चुके हैं कि पंजाब में जो हिंसक घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं और ये एक चिंता की वजह है। लेकिन एक और बिंदु जो कि केंद्र में है जांच के, इसके बारे में भी जांच की जा रही है, वो है सिखों और निरंकारियों के बीच का संघर्ष। ये जो घटना हुई है वो एक बार फिर याद दिला रही है 1980 के पंजाब की। 1980 के दशक में पंजाब में निरंकारियों और सिखों के बीच ही जो संघर्ष था उसने उग्र रूप इख्तियार किया था और पंजाब उग्रवाद की आग में झुलस गया था। सिखों और निरंकारियों के बीच के विवाद की शुरुआत तब हुई जब सिखों ने निरंकारियों के गुरु अवतार सिंह पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी किताब अवतार वाणी और युग पुरुष में सिखों के गुरुओं की आलोचना की है, उनके बारे में जो कुछ लिखा है उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। 1980 के दशक में ही पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरांवाला का उदय हो रहा था। वो एक कट्टरपंथी के तौर पर मशहूर होता जा रहा था और उसने बहुत विरोध किया था निरंकारियों का भी। लेकिन यह संघर्ष 13 अप्रैल 1978 को उग्र हो गया, हिंसक हो गया, तब जबकि 16 लोगों की मौत हो गई निरंकारियों के कार्यक्रम में। 3 उसमें निरंकारी मारे गए थे और 13 सिख मारे गए थे। यहीं पर इस हिंसा का अंत नहीं हुआ, यह हिंसा यहां से आगे बढ़ती गई, पूरे पंजाब को अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि इस घटना के बाद जो ये हिंसा हुई थी उसके बाद अकाल तख्त ने एक हुक्मनामा जारी किया था और निरंकारियों को सिख समुदाय से बाहर कर दिया था। और उसके बाद पूरे पंजाब में सिखों और निरंकारियों के बीच जो हिंसा हुई उसके बाद खालिस्तान का जो मूवमेंट था वो उग्र होता चला गया और आतंकवाद की चपेट में पूरा पंजाब आ गया। तो ये एक मुख्य चिंता की वजह है अगर इस समय जो पंजाब में हिंसक गतिविधियां बढ़ रही हैं उसको लेकर सिखों और निरंकारियों के बीच का जो विवाद है उसकी याद एक बार फिर ताज़ा हो गई है और वो चिंता का वजह ज़रूर है। और अब बात स्वच्छ भारत मिशन की। आज वर्ल्ड टॉयलेट डे है। UN की तरफ से आज के दिन को हर साल वर्ल्ड टॉयलेट डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि UN की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में तेज़ी से काम किया जाना चाहिए और 2030 तक पूरी दुनिया में हर किसी के पास साफ पानी और शौचालय होना चाहिए, यानी ODF मुक्त हो जाना चाहिए पूरी दुनिया को। भारत में खुले में शौच बड़ी मात्रा में इससे पहले किया जाता था, लेकिन भारत ने तेज़ी से प्रगति की है। 2 अक्टूबर 2014 के बाद से स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत में तेज़ी से टॉयलेट बनाए गए हैं और जो आंकड़े हैं फिलहाल अगर उनको देखा जाए, आप भी देख सकते हैं इन आंकड़ों को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, अगर आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पर तो वहां पर इस तमाम आंकड़े मौजूद हैं। सरकार इन्हें समय समय पर बताती भी रहती है कि किस तरह से निर्माण किया गया है, तेज़ी से टॉयलेट बनाए गए हैं, शौचालय गाँव गाँव तक, घर घर तक पहुँचाए जा रहे हैं। 8.8 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं देश भर में। 530 जिले हैं जो ODF मुक्त, यानी खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। 530 जिले इस तरह के हैं जो घोषित हो चुके हैं। 5.2 लाख गांव ODF मुक्त हो चुके हैं, यानी वो भी खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, उन्होंने खुद से ये तमाम आंकड़े सामने रखे हैं। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि भारत किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, शौचालय हर किसी के पास हो इसका इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन हकीकत
इससे बहुत दूर है। शौचालय बनाए जा रहे हैं लेकिन इसको लेकर समय समय पर रिपोर्ट सामने आती है कि किस तरह से शौचालय बनाए जा रहे हैं, उनका निर्माण किस तरह से किया जा रहा है, ये चिंता की विषय है। हमें सिर्फ ये टिक नहीं हासिल करना चाहिए कि ODF मुक्त हो गया है हमारा देश, बल्कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो टॉयलेट बनाए जा रहे हैं वो वाकई लोग इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि जो रिपोर्ट दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन के तहत, उसमें ये कहा गया है कि ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने कहा है कि जो संबंधित राज्य हैं और उनके अधिकारी हैं और विभाग हैं उन्हें 9 महीने तक इस प्रक्रिया के साथ जुड़े रहना चाहिए, यानी टॉयलेट बनाने के बाद उसके निर्माण के बाद उसके साथ अधिकारियों को और विभागों को 9 महीने तक काम करना चाहिए ताकि वो ये सुनिश्चित कर सकें कि इन शौचालय में साफ पानी मुहैया कराया जा सके, उससे जो अपशिष्ट निकल रहा है यानी वहाँ से जो कुछ निकलता है उसको सही से उसका निस्तारण हो सके, उसकी वजह से और प्रदूषण ना फैले, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो अपशिष्ट निकलता है इन शौचालयों से उसकी वजह से प्रदूषण की एक और बड़ी समस्या फिर खड़ी हो जाएगी अगर उसको उसका सही तरह से निस्तारण नहीं होगा। आंगनबाड़ी में या स्कूलों में जो टॉयलेट बनाए गए हैं उनके रखरखाव को देखा जाए, पानी मुहैया कराया जाए, बिजली मुहैया कराई जाए, इन तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए इन विभागों को और मंत्रालयों को 9 महीने तक काम करना चाहिए टॉयलेट निर्माण होने के बाद भी। लेकिन क्योंकि स्वच्छता राज्य का अधिकार है तो इस वजह से राज्यों ने इसमें बदलाव किया है और उनका पूरा ध्यान सिर्फ निर्माण पर है, यानी सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर है, निर्माण करो टॉयलेट का, उसमें जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने पर उतना ध्यान नहीं है जहां पर ध्यान होना चाहिए। हमें बड़ी संख्या में टॉयलेट बनाने चाहिए। इसको लेकर दिल्ली में भी एक लॉयर हैं सागर, उन्होंने एक RTI दाखिल की थी और उस RTI के तहत उन्होंने जानकारी मांगी थी, उसमें उनको ये जानकारी मिली है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सागर, नजफगढ़ में 19 टॉयलेट बनाए गए हैं लेकिन उन्हें RTI के तहत ये जानकारी मिली कि ये जो 19 टॉयलेट हैं इनमें किसी में भी बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं है, यानी टॉयलेट बना दिए गए हैं वहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पर महिलाओं के जाने के लिए यानी महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग सेक्शन भी नहीं बनाए गए हैं। RTI में उन्हें बताया गया था कि 17 यूरिनल बनाए गए हैं, 19 टॉयलेट बनाए गए हैं लेकिन किसी में भी पानी और बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो ये वस्तुस्थिति है, ये हकीकत है भारत में, जिस तरह से तेज़ी से टॉयलेट बनाए जा रहे हैं उनको लेकर सिर्फ निर्माण पर फिलहाल ध्यान केंद्रित है, वो सही से उपयोग हो सके और उनकी वजह से लोगों का जीवन और आसान हो सके उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो हमें ODF मुक्त तो होना है लेकिन साथ ही सब सुविधाओं के साथ तमाम जो मुसीबतें हैं लोगों की उन्हें दूर करने के साथ साथ हमें ODF मुक्त होने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल अड्डा में आज के लिए इतना ही, आपके साथ मैं सुमैरा खान।